next topic of the differential equation, that is the formation of the differential equation. Okay, so we will study today formation of differential equations. So how to form, as you know that in I already uploaded two videos regarding this topic. हमको differential equation का दो videos upload कर चुके हैं. आज हम जो आपको बताने वाले हैं आज जो है formation of differential equation, मतलब differential equation को कैसे formation किया जाता है उसके बाद आपको हम जो बताएंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा सॉल्यूशन का. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये इसका टॉपिक है आज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला इसका डिफरेंस आज हम पहला टाइप का बताने वाले हैं आपको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आ जाता है तो पहला होता है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को, पहला से हम लोग क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, ये हम लोग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे. और नेक्स्ट नंबर टू है आर्बिट्री फंक्शन का निकालेंगे. ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन का. तो आज हम पहला डिस्कस करने वाले हैं आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के बारे में. तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपको अगर कोई देखिए, सबसे पहले ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का मतलब ये हो गया कि जिसकी वैल्यू जो होगा आपका, जैसे आपको एक चीज़ समझ लीजिए, जो आर्बिट्री फंक्शन में जो है उसमें, सबसे पहले हम आज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट के बारे में बताएंगे. जो भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होगा वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा आपका, उसको हम लोग हटाएंगे. और हटाएंगे कैसे, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, याद रखना है आपको, जब भी फॉर्मेशन हो इसका तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको जो है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको. और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सॉल्यूशन के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ठीक है, आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन मिलेगा. और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जनरली कहा जाता है इसको, ठीक है, तो फॉर्मेशन में जो है डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, सॉल्यूशन में आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय गिवन एन इक्वेशन विद इन्वॉल्व आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. अगर कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हो तो उसका जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का मतलब ये हो गया है कि अगर उसका वैल्यू जो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन के से बता देंगे आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन पढ़ना है हम आपको एक बताते हैं. वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे, वाई इक्वल्स टू पाला है ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है क्या ए एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ए है यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे. तो हम लोग का जो भी बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे इसको हम लोग हटाएंगे इसको ऐसा लिख सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा. प्लस क्या होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट होंगे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का क्या होगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ से आपका आ जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप, ए हो जाएगा. इससे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए आप तो क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पे. और एक अगर यहाँ पे एक और तरह से भी इसको अगर डिफरेंशिएट नहीं भी कर सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि इसका जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से भी आपका बन गया वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एक की जगह ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और ये आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर मिस क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये क्या हो गया, बन गया. ठीक है, यहाँ से इसको हम लोग क्या किए, इसको बना लीजिए इसको. ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका. ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका. आप ये लिख सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब प्लस क्या होगा इसको, इसको हम लोग ऐसा लिखते थे माइनस वाई प्लस टू जीरो होगा. तो यहाँ से आप ऑर्डर कितना होगा इसका, वन ऑर्डर, डिग्री कितना होगा, टू होगा. तो इसको आप लिख लीजिए, ऑर्डर कितना है आपका यहाँ पे वन है और डिग्री कितना है आपका यहाँ पे, डिग्री कितना है टू है. ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट दिया हुआ है वाई क्वेश्चन दिया हुआ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. ठीक है,
नंबर टू जो दिया हुआ है, नंबर टू हम लोगों को सॉल्व करना है, वाई इक्वल टू दिया हुआ ए कॉस एक्स प्लस क्या है बी साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या करते हैं, ए और बी जो आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट है उसका आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट को हम लोग हटाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा कितना कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये साइन एक्स हो जाएगा इस पर, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा डी टू वाई बटी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आएगा साइन का कॉस आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस का साइन हो जाएगा क्या होगा माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे डी टू वाई बटी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या ए कॉस एक्स प्लस क्या होगा बी साइन एक्स। आप इसका वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आप देखिए इसका वैल्यू कितना दिया वाई दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा माइनस वाई, इधर आके आपका क्या होगा प्लस वाई हो जाएगा, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई होगा, ये प्लस वाई होगा इक्वल टू जीरो, तो ये आपका जो है ऑर्डर कितना हो गया ऑर्डर टू डिग्री वन का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आपका, ठीक है। तो ये ऑर्डर टू और ऑर्डर टू ऑर्डर कितना है टू डिग्री वन का डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो आपका वो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है, ये तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का है, फिर आर्बिट्री टेंशन वाला आपको बता देंगे। थ्री ये थर्ड नंबर है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है, वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स होगा, तो ये आ जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू ए एक्स हो जाएगा आपका, टू ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसा लिख सकते हैं टू ए एक्स हो जाएगा प्लस क्या होगा ये बी एक्स का हो जाएगा क्या बी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी जो है मेरे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ही ए और बी, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, इसको हटाने के लिए फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे इसको, सो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे टू ए एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा तो हो जाएगा टू ए हो जाएगा, टू ए हो जाएगा बी का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे दिया हुआ वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका फोर साइन थ्री एक्स, ठीक है, फोर साइन थ्री एक्स, यहाँ से इसको आप क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं आप, ये क्या होगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स होगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या साइन का कॉस हो जाएगा, तो फोर्थ या ये हो जाएगा तो कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम लोग इसको लिखते हैं, फिर से उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका तो डी टू वाई पर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स आ जाएगा, थर्टी सिक्स इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए फोर साइन थ्री एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, सो यहाँ पे डी टू वाई पर डी एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख देते हैं इक्वल टू माइनस नाइन इंटू फोर इंटू साइन क्या होगा थ्री एक्स, और इसकी जगह में क्या बिठा देंगे हम लोग वाई बिठा देंगे, तो जैसे ही इसका y बिठाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस नाइन वाई आ जाएगा, तो प्लस माइनस नाइन वाई इधर आके क्या होगा प्लस होगा, सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा नाइन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इसका देख लीजिए आप, ऑर्डर इसका कितना है ऑर्डर इसका जो है ऑर्डर इसका क्या है टू है, और सॉरी ऑर्डर टू है, डिग्री कितना है इसका वन है, तो ये आपको थोड़ा सॉल्व करना है आपको यहाँ से। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम डाल देते हैं ताकि आप इसमें प्रैक्टिस कर लें आप, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो आर्बिट्री फंक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे आपको, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन के लिए आप इसको सीखिए प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं आपको, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कुछ वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है, वाई इक्वल्स टू है ए बी बी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस, ठीक है,
इंटू सी ई टू दी पावर टू एक्स। तो आप इसको देखिए बना के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, इजी है ये, आपकी परेशानी इसमें नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है y इक्वल्स टू ए कॉस एक्स, ये तो बताए आपको, फिर से इसको देख लें आपका ए कॉस एक्स प्लस क्या होगा बी साइन एक्स, ये क्वेश्चन फिर से इसको देखे बना के आप, ये तो अभी इसको डिस्कस किए हुए हम। नेक्स्ट है y इक्वल्स टू जो है y इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर क्या है बी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर क्या है बी एक्स। देखिए इसको भी बना के आप फोर्थ है जो है, फोर्थ के लिए जो है y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू जो है ए एक्स क्यूब प्लस क्या है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है सी है, इसको आप देखें बना के। नेक्स्ट जो है सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें डोंट वरी, इसको जो है सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आपको आर्बिट्री फंक्शन का कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे, वाई प्लस टू दिया हुआ है, वाई प्लस टू क्या है ई टू दी पावर क्या है माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ए एक्स प्लस क्या है, ए एक्स प्लस क्या है बी है, ठीक है, ये आपको देखना बना के, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बना के देखना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है, ठीक है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम इसमें ना हो। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है आपको एक ऑर्डर और डिग्री का तो बता ही दिया आपको, ऑर्डर और डिग्री वाले पार्ट को, तो वहाँ से आप इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप कुछ इसमें कर्व का बारे में भी है, उसको कर्व के बारे में बाद में बताएंगे उसको, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो है आपका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है आर्बिट्री फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आर्बिट्री फंक्शन के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।